हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट नंबर 38 लेकर आए हैं। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं, और फिर इसका सॉल्यूशन मैंने टाइप करके दिया है। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं, और फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अर्थात आपका ये चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है दोस्तों, तो भारत में कि क्या निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पहला, दूसरा है कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय वन के बारे में हमें जानना है ये कैसे होते हैं। टोटल जो है ना, जो प्राकृतिक वनस्पति जो कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीली वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। ये वन पश्चिमी घाटों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अर्थात जो है ना उष्णकटिबंधीय वन वर्षा, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर से लेकर के से अधिक होती है, और यहाँ प्रत्येक प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ पाई जाती है। और इसमें व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि आबू आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिनकोना। इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर, हिरन इत्यादि पाए जाते हैं। अब आप देख पा रहे हैं उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता, किसकी विशेषता, उष्णकटिबंधीय वन की विशेषता, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र में फैले हुए वन, उन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वन झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सागौन है, तथा व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बांस, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, शहतूत। अब हम देखते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन बेटा क्या होता है, ये इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। ये सारी जो वर्षा का जो रेंज है ना, ये काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानी में पाए जाते हैं, और कंटीले वन और झाड़िया के क्षेत्र के में मुख्य पादप प्रजाति है, जैसे अकाशिया, खजूर, पाम, यूफोर्बिया, नागफनी, कैक्टाई। पर्वतीय वन 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्ट नट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है, और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रू, सीडर आदि पाए जाते हैं, और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति लेती है, और सिल्वर फर, जूनियर पाइन बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग पाया जाता है। कौन सा, कश्मीरी महामृग, चितरा पाया जाता है, हिरन पाया जाता है, जंगली भेड़ पाया जाता है, खरगोश पाया जाता है, तिब्बती बारहसिंहा पाया पाया जाता है, याक पाया जाता है, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा भी पाया जाता है, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां भी पाई जाती है।
तो उष्णकटिबंधीय वन में इस तरह के पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं मैग्रोव वन की क्या विशेषता है। मैग्रोव वन वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है, और मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैग्रोव एक ही प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों कि जड़ें पानी में डूबी रहती है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, नारियल, तार, क्योरा। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी, जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है, और नारियल, तार, क्योरा, बेंगार के वृक्ष विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, और इन क्षेत्रों का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। अब आइए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करते, एक एक करके मैंने टाइप करके आंसर लिखा है। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? भारत में वनस्पति क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्षों के नाम व उनके वनस्पति क्षेत्र अनुसार नाम लिखिए। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का एक एक करके अब आइए देखते हैं। देखिए बहुत अच्छे से आसान भाषा में, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान, बॉक्सीट 38, उत्तर। आसान भाषा में उत्तर लिखे। दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जो आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो अब यहाँ देख पा रहे हैं भारत में कितने प्रकार की वन पाई जाती है? तो भारत में मुख्यतः 5 प्रकार की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीली वन और झाड़िया पर्वतीय वन और मैग्रोव वन। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या कह रहा है? भारत के वनस्पति क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष के नाम उनके वनस्पति क्षेत्र अनुसार लिखिए। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन में पाए जाने वाले वृक्ष जैसे एबोनी है, महोगनी है, रबर है, बांस है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष साल, शीशम, शहतूत, सागवान इत्यादि है। कंटीले तथा झाड़ियाँ वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष क्या है? खजूर है, खिजड़ी है, कैक्टस है इत्यादि है। अर्थात ये जो वनस्पति में पाए जाने वाले वृक्ष, अब देखिए पर्णपाती वन में पाए जाने वाले वृक्ष क्या है? पाइन है, देवदार है, बर्च है, चीड़ है इत्यादि है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मैग्रोव वन में पाए जाने वाले वृक्ष सुंदरी, तार, नारियल इत्यादि है। अब यहाँ इसे एक एक करके बेहतर तरीके से इसे आप समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्र का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। वर्णन निम्नलिखित है, जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यह पूर्वोत्तर भारत का पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अब सेकेंड पॉइंट इसमें है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यह वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, कहाँ है? पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, हिमालय की तराई क्षेत्र पर, बिहार, और इसके अंतर्गत आने वाले जो प्रदेश है, राज्य है, वो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और मध्य प्रदेश में है। अब पर्णपाती वनस्पति, यह वनस्पति मुख्यतः प्रायद्वीपीय, इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, प्रायद्वीपीय ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्रायद्वीपीय। यहाँ पठार की उच्चवर्ती क्षेत्रों में जैसे कि नीलगिरी, अन्नामलाई,
पलनी, महाबलेश्वर, शास्त्री सी के उच्च भाग सतपुरा आदि में मिलते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ फोर्थ पॉइंट है, कटीले वन और झाड़ियाँ यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जहाँ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त दक्षिण प्रायद्वीपीय के शुष्क भाग आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात के कुछ हिस्से में हैं। मैग्रोव वन, यह वन पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्रोव वन किस प्रकार की वनस्पति प्रकार अन्य वनों से भिन्न है? तो मैग्रोव वन अन्य वनों से भिन्न निम्नलिखित रूप से है, जैसे कि यह वन खारे पानी में विकसित होते हैं। क्या होते हैं? खारे पानी में विकसित होते हैं और इनके जड़ें पानी में डूबी होती है, और इस प्रकार के वन डेल्टा क्षेत्र में विकसित होते हैं। इस प्रकार मैग्रोव वन जो है ना अन्य वनों से भिन्न है। क्या है? भिन्न है। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। दोस्तों सर्दी ज़्यादा हो गया है। वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? वनस्पति हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट जानदार क्वेश्चन है। वनस्पति हमारे जीवन में कई प्रकार से उपयोगी है, जैसे आप देख पा रहे हैं वनस्पति वन्य जीवन को आवास प्रदान करते हैं, वनस्पति मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं, और वनस्पति से हमें फर्नीचर और ईंधन पर लकड़ी मिलती है। वनस्पति ईंधन, यहाँ पे व लिखेंगे, व लकड़ी मिलती है। वनस्पति से चारा, औषधि और जड़ी बूटी मिलती है, और वनस्पति से हमें लाल शहद और गोंद मिलती है, और वनस्पति वर्षा लाने में सहायक है। क्या है? वर्षा लाने में सहायक है। वनस्पति से हमें लाल शहद व गोंद मिलती है। वनस्पति वर्षा लाने में, वर्षा आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सहायक है, और वनस्पति, ये वनस्पति आप ऐसे लिखेंगे, वनस्पति उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है, और आप भी इसमें लिख सकते हैं आप एक्स्ट्रा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर आप नए हैं तो और पुराने हैं तो कंटिन्यू पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए, ताकि बहुत आपको नॉलेज मिले। थैंक यू।